जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में सीढ़ा पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल SC to DC सिद्धार्थ आचार्य से मिला और उनके माध्यम से जिला देश बिलासपुर को ज्ञापन प्रेषित किया। इस मौके पर आशीष ठाकुर ने बताया कि सीढ़ा गांव पर के ग्रामीणों को आज मजबूरन गंदा पानी पीने पर विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जिस उठाऊ पेयजल योजना के माध्यम से सीढ़ा पंचायत के ग्रामीणों को पानी का जा रहा है, उस स्रोत में क्विंटलों के हिसाब से मिट्टी इकट्ठी हो गई है, जिससे कि लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है और ग्रामीणों में बीमारी का खतरा बना हुआ है। आओ देखें पूरी रिपोर्ट। सीढ़ा पंचायत के अंदर काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। बड़ी दुखद बात है कि आज बरसात का मौसम चल रहा है, पर सीढ़ा पंचायत में जो जल की आपूर्ति है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। बताना चाहता हूँ कि हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो पानी लोगों को पीने के लिए मुहैया कराया जा रहा है उसमें क्विंटलों के हिसाब से मिट्टी पड़ी हुई है। समझ से परे है कि जो IPH विभाग है, क्या वो अपने जल स्रोतों का ध्यान ही रख सकता है? अगर इस तरह का पानी आम जनता को पीने के लिए मुहैया कराया जाएगा तो इससे जो गंभीर बीमारियां हैं फैलने की आशंका रहेगी। क्या जो जल शक्ति विभाग है अगर बीमारियां फैलती हैं तो उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है? साथ में बताना चाहता हूँ कि सीढ़ा पंचायत के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि जल समस्या के लिए उन्होंने कई बार जल शक्ति विभाग को अवगत करवाया, पर जब भी जल शक्ति विभाग की तरफ से बात होती थी तो जल शक्ति विभाग के लोग कहते हैं कि कभी हमारी मोटर बंद है, कभी हमारे वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है। साथ में बताना चाहता हूँ कि जो सीढ़ा पंचायत है, पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय पर जो हमारे स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, उन्होंने पानी की एक अलग सी स्कीम सीढ़ा पंचायत के लिए मुहैया करवाई थी, पर आज सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, पर उस स्कीम के ऊपर आज तक कोई आगामी कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से और जिला प्रशासन से निवेदन भी है और मांग भी है कि जल्द से जल्द इस स्कीम को चालू किया जाए, साथ के साथ जो ये पानी की जो समस्या चल रही है इसको ठीक किया जाए। और बताना चाहता हूँ कि आज हमने AC to DC सिद्धार्थ आचार्य जी के माध्यम से जिलाधीश जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है और उसमें अपनी मांगों का विवरण दिया है। धन्यवाद।